देखिए हमारे पास श्राद्ध से संबंधित एक विशेष प्रश्न आया हुआ है और जो कि सार्वजनिक है, सार्वकालिक है भाई, महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से सुने और परिपालन भी करें। ऐसे हमसे कई लोग ऐसे प्रश्न पूछते रहते हैं, उनका आज समाधान किया जा रहा है। कहते हैं, क्या कम आयु वाले बालक एवं अविवाहित कन्याओं का भी श्राद्ध करना चाहिए? कोई छोटी उम्र वाले बालक दिवंगत हो जाते हैं, वो कितनी अवस्था वाला बालक चला जाए तो उसके कौन कौन से श्राद्ध करें, कौन से नहीं करें? कन्या है, विवाह से पहले कोई मृत हो गई या और छोटी अवस्था में हो गई तो उसके लिए क्या अलग से नियम है? अर्थात बालकों के श्राद्ध कैसे करें, इस पर देखिएगा विवेचन। देखिए श्राद्ध विवेक एक ग्रंथ है कर्मकांड का, जिसमें श्राद्ध संबंधी प्रक्रिया है, पद्धति है। उसके द्वितीय परिच्छेद में एक वचन देते हुए वे कहते हैं कि असमाप्त षड्वर्षस्य मृतस्य पूर्व क्रिया मात्रम्। जो देखिए सामान्य रूप से जो 2 वर्ष के बालक हैं, 2 वर्ष तक, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक हैं, तो उनकी कोई भी श्राद्धादि क्रिया नहीं होती है, ना ही उनको कोई पिंडदान करने की आवश्यकता है। कोई जलांजलि या तिलांजलि, पिंडदान इत्यादि कुछ नहीं होता है। अब देखिए जो 2 वर्ष से ऊपर हैं और 6 वर्ष तक हैं, 2 से आगे यानी 3 से लेकर के 6 वर्ष तक के बालकों की क्रिया पूर्व क्रिया अर्थात मलिन षोडशी होती है। मलिन षोडशी 3 षोडशी होती हैं, मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी और उत्तम षोडशी। तो मलिन षोडशी होती अर्थात मृत्यु के समय पर जो 6 पिंड दिए जाते हैं और बाद में 10 गात्र में 10 पिंड दिए जाते हैं, मिलकर के जो है मलिन षोडशी हो जाती है। ये 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष के बालकों का इतना होता है। अब कह रहे हैं 6 वर्ष के बाद श्राद्ध की संपूर्ण क्रिया अर्थात मलिन षोडशी, एकादशा तथा सपिंडन आदि क्रियाएं होंगी 6 वर्ष के बाद। तो यहां ये 6 वर्ष इन्होंने रख दिया है, कई शास्त्रों में यह यज्ञोपवीत होने के बाद 6 वर्ष के बाद, मुख्य रूप से 8 वर्ष के बाद ये भी विकल्प है कि 8 वर्ष से उपनयन का जो है समय प्रारंभ हो जाता है, तो 8 वर्ष से या जो है उससे ऊपर जब यज्ञोपवीत हो जाए, तो यज्ञोपवीत के पहले की ऐसी चौल जब तक नहीं हुआ है तब तक, और चौल के बाद यज्ञोपवीत नहीं हुआ है तब तक, और यज्ञोपवीत के बाद की, ऐसे भी शास्त्रों में विभक्त किया गया है। तो आजकल यज्ञोपवीत कभी किसी का हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, कोई ब्रात्य हो रहा है तो उनका असौच नहीं लगेगा क्या? इसलिए विद्वानों ने उसको इस वर्ष के अनुसार, कम से कम इतनी आयु वाला हो जाए, कम से कम इतनी आयु वाला हो जाए तो उसको वो तत्त संज्ञा करके और वो असौच का क्रम निर्धारित किया गया है। तो इस दृष्टि से कहते हैं 6 वर्ष से लेकर के और उस बालक के संपूर्ण क्रियाएं सपिंडन आदि क्रियाएं होंगी। मुख्य रूप से इसको ये मानना चाहिए, यदि यज्ञोपवीत हो रहा है तो यज्ञोपवीत के बाद, यज्ञोपवीत होने के बाद ये समस्त नियम लागू हो जाएंगे। किसी भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बालक का यज्ञोपवीत हो गया तो उसकी पुरुष संज्ञा होकर के संपूर्ण क्रियाएं होंगी। और यह चौल संस्कार यानी मुंडन संस्कार हो चुका है, चूड़ाकरण संस्कार हो चुका है, अभी यज्ञोपवीत नहीं हुआ है तब तक केवल मलिन षोडशी होगी, यह नियम है। और कह रहे हैं अब कन्या के लिए बात बताते हैं कि कन्या का 2 वर्ष से पहले तो कोई जो है संस्कार नहीं होगा, ना बालक का ना कन्या का, तथा अब 10 वर्ष से कन्या 2 वर्ष से लेकर के विवाह पूर्व अर्थात 10 वर्ष तक पूर्व क्रिया
यानी मलि षोड़शी तक की क्रिया करनी चाहिए। दो वर्ष तक की तो कोई क्रिया नहीं है, दो वर्ष से लेकर के और जब तक विवाह नहीं होता है, यानी कि विवाह सामान्य रूप से 8, 9, 10, 12 वर्ष तक हो जाता था, तब तक यदि कोई कन्या दिवंगत होती है तो उसकी केवल मलिन षोड़शी होगी और कोई क्रिया नहीं होगी। कहते हैं कि जब तक विवाह नहीं होता है तब तक उसकी सपिंडीकरण श्राद्ध इत्यादि नहीं होता है, जब विवाह होने के बाद ही सपिंडीकरण होता है, ये नियम है। ऊढ़ायास्तु त्रिविधा क्रिया, जब ऊढ़ा हो गई, जब विवाह हो गया तो उसकी त्रिविध क्रिया होती है, तीनों क्रियाएं होती हैं, मलिन षोड़शी, मध्यम षोड़शी और उत्तम षोड़शी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसका जो है संपूर्ण क्रिया हो जाती है मृत्यु के समय पर, जिस काल में, अर्थात जिस अवस्था में लिखा हुआ है कि उसकी फिर संपूर्ण क्रिया करे, जैसे कन्या का विवाह होने के बाद और बालक का यज्ञोपवीत होने के बाद, या विवाह की और यज्ञोपवीत की आयु होने के बाद, अब कोई नहीं कर रहा है तो वो आयु से लिया जाएगा कि वो आयु को पार कर गया, माना कि उसके योग्य हो गया, तो उसकी फिर तीनों क्रियाएं होंगी। और जिसकी तीनों क्रियाएं हो जाएंगी, अर्थात पिंड मेलन आदि जिसका हो जाएगा, सपिंडन हो जाएगा, उसका ही महालय श्राद्ध होता है, अर्थात पितृपक्ष में उन्हीं का श्राद्ध होता है जिनका सपिंडन हो जाता है। जिनका सपिंडन नहीं हुआ है, सपिंडीकरण श्राद्ध नहीं हुआ है, उनका पितृपक्ष में श्राद्ध नहीं होता है। तो अविवाहित कन्याओं का और यज्ञोपवीत से पहले के दिवंगत बालकों का इस पितृपक्ष में श्राद्ध नहीं होता है। उसी समय जो जो क्रिया भी बतलाई गई वो उतने करने मात्र से ही और इसकी सिद्धि हो जाती है। हर हर महादेव।